एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स थिंग। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा इस तरीके का जो TG113 किट मॉड्यूल होता है, इसका मार्केट में, लोकल मार्केट में क्या प्राइस है, आपको ऑफलाइन मार्केट में कितने दाम में मिलेगा। तो चलिए, आज के वीडियो में हम एक ब्लूटूथ स्पीकर बनाएंगे DIY एकदम कम में, 100 रुपये के अंदर। दो बेहतरीन स्पीकर होगा, साउंड क्वालिटी और एक लिथियम बैटरी के साथ। तो चलिए देखते हैं पूरा वीडियो। सबसे पहले मैं इस मॉड्यूल से शुरू करता हूँ कि ये कितने का पड़ा मुझे, और इसके बाद मैं स्पीकर का भी बताऊँगा। टोटल आपका 100 रुपीज़ के अंदर हो जाएगा। तो ये पुराना एक मेरा मॉड्यूल है जो कि ख़राब हो चुका था। ये भी सेम मॉडल का ही है, ये TG113 किट मॉड्यूल का ही है। तो इसके अंदर ऑप एम्प ख़राब हो चुका था, आप देख सकते हैं, जिसके लिए मैंने इसको चेक किया। तो इसका मेन जो ब्लूटूथ ICF है ये भी शॉर्ट हो चुका है, इसलिए ये अभी यूज़ में नहीं है, ख़राब हो चुका है पूरी तरीके से। तो इसको मैं फाइंड कर रहा था मार्केट में सबसे चीप ब्लूटूथ स्पीकर मॉड्यूल विद ब्लूटूथ और चार्जिंग एक साथ। तो मुझे मिला कि ये वाला मॉड्यूल जो है यही सबसे सस्ते में आपको चार्जिंग भी प्रोवाइड करता है, ऑक्स भी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ आपको ब्लूटूथ और बैटरी स्टोरेज सब कुछ और स्पीकर ड्राइवर भी मिल जाता है। तो चलिए हम निकाल कर देखते हैं। ये जो इसमें 2 IC था, मतलब मोनो ऑडियो नहीं था, स्टीडियो ऑडियो था और USB और सब कुछ था। तो हमने जो किट लिया है मार्केट से, इसका प्राइस बहुत ही कम है, मैं वीडियो के बीच में आपको बताऊंगा। अभी देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये रहा नया किट हमारा, मैं इसको सेट कर देता हूँ। ये रहा हमारा नया किट, एकदम सेम टू सेम कॉपी है, एकदम सेम टू सेम कॉपी है। सिर्फ यहाँ पे आपको एक चीज़ कमी देखने को मिलेगा, जो वहाँ पे 2 आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज़ किया गया था स्पीकर को ड्राइव करने के लिए, लेफ्ट राइट 2 चैनल को ड्राइव करने के लिए यहाँ पे आपको 2 ऑप एम्प का यूज़ किया गया था एम्पलीफायर का। लेकिन यहाँ पे आपको एक ही एम्पलीफायर मिलेगा, जो कि ये रहा आपको, मतलब मोनो ऑडियो मिलेगा, लेकिन ठीक ठाक है। छोटे साउंड सिस्टम में कम प्राइस में आपको काफ़ी अच्छा चीज़ प्रोवाइड करता है ये, ब्लूटूथ USB मेमोरी कार्ड चार्जिंग ऑक्स सब कुछ प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे म्यूजिक फॉरवर्ड बैकवर्ड पॉज विड मोड ऑन ऑफ सब कुछ। तो चलिए हम इसका आज कनेक्शन करते हैं। तो इसका प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, इसका प्राइस मुझे ऑफलाइन मार्केट में 80 रुपये पड़ा है, जो कि ऑफलाइन दुकान से बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स कोच बिहार। तो ये तो हो गया मैं हमारा 80 रुपये। उसके बाद मैं आप नेक्स्ट चीज़ दिखाता हूँ, ये बेहतरीन क्वालिटी का स्पीकर आपको मिल जाएगा हाई वेस का। ये मैंने एक पुराने कबाड़ वाले के पास से लिया है, मतलब जो पुराना चीज़ बेचते खरीदते उनसे मैंने 10 रुपये में लिया है, ठीक है, ये 10 रुपये में लिया है। तो इसका भी मैं आपको स्क्रीन पर वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए मैंने यहाँ से लिया है 10 रुपये में ये स्पीकर, बहुत ही अच्छा स्पीकर है। दोनों को ही उन्होंने चेक करके दिया बैटरी में लगा के, ठीक है। ये दोनों स्पीकर को, ये बोर्ड तो मोनो ऑडियो है, इसलिए इस दोनों स्पीकर को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर लिया है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद ये बैटरी, ये मैंने पुराने लैपटॉप को बैटरी से निकाला है, ये भी हम 10 रुपये पकड़ लेते हैं, क्योंकि पुराने लैपटॉप को बैटरी से निकाला है, 2000 mAh का 3.7 वोल्ट का बैटरी है। तो ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेगा। तो सब कुछ मिला के, ये तीनों चीज़ मिला के हम एक बेहतरीन ब्लूटूथ स्पीकर बनाएंगे। तो चलिए मैं इसको फटाफट असेंबल करता हूँ, इसके कनेक्शन में बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे 2 कनेक्टर है, एक है बैटरी प्लस माइनस, यहाँ पे बैटरी का प्लस लगाना है, जो कि ये रहा बैटरी। तो बैटरी का इस तरफ प्लस है, तो इस वायर को आपको यहाँ पर लगाना है इस बैटरी के प्लस पे यहाँ पे, और ये माइनस वायर को यहाँ पे, ठीक है, और स्पीकर का प्लस माइनस यहाँ पे सब कुछ लिखा होता है। तो चलिए मैं फटाफट आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है, 100 रुपये में आपका ब्लूटूथ स्पीकर कैसा परफॉर्मेंस देता है और बैटरी बैकअप भी अच्छा मिलेगा। चलिए देखते हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन या
कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इसको फटाफट असेंबल करके आपको प्ले करके दिखाते हैं। ब्लूटूथ स्पीकर बन के रेडी हो चुका है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एकदम पोर्टेबल हो चुका है, कहीं भी ले जा सकते हैं। और इसको मैंने ग्लू गन से एकदम सिक्योर कर दिया है, जिससे कि ये कहीं नहीं निकलेगा, हिलाने पे भी नहीं निकलेगा। इसका बैटरी भी फिक्स है एकदम, और एकदम पूरा तरीके से ये टाइट हो चुका है। मैं सबसे पहले तो इसको चार्ज करके दिखाता हूँ आपको। आपको यहाँ पे माइक्रो यूएसबी पोर्ट पे चार्जर लगाना है। चार्जर लगाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड लाइट शो कर रहा है, इसका मतलब ये चार्ज हो रहा है। चलिए हम इसको ऑन करते हैं और लैपटॉप से हम म्यूज़िक प्ले करके देखते हैं। तो इसको ऑन करने के लिए यहाँ पे पावर ऑन ऑफ लिखा हुआ है, इसको मैं प्रेस करके रखता हूँ। ब्लूटूथ मोड, यह अभी ऑन हो चुका है। यहाँ पे ब्लूटूथ मोड है और भी सारा मोड है। FM मोड, FM मोड है, ब्लूटूथ मोड, ब्लूटूथ मोड है। यूएसबी लगाने पर, पेन ड्राइव लगाने पर पेन ड्राइव चलेगा, मेमोरी कार्ड एसडी कार्ड चलेगा। ब्लूटूथ पे ये अभी हमारे लैपटॉप से कनेक्ट हो चुका है, हम म्यूज़िक प्ले करते हैं।